चैनल। सो आज जो है मैं कर रही हूँ तैयारी। अभी हम लोग कहीं जाने वाले हैं तो वहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ। सुबह से कुछ काम नहीं हो रखा है, कुछ भी नहीं, पूरा घर फैला हुआ है और कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है। बच्चे भी जबकि मैं स्कूल से ले आई हूँ और मतलब पहले मैंने सारे कपड़े वगैरह निकाले, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वो मतलब वही है, हिली हिली एरिया है। सो जो है क्या कहते हैं, वहाँ पर जो है काफ़ी ठंड है, मतलब ठंड भी होती है काफ़ी, तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि अभी क्या है मौसम ये हमें भी नहीं पता, वहाँ जाकर ही पता लगेगा। लेकिन ये है कि यहाँ पर जो है गर्मी होने लग गई है, तो बच्चों के जो वूलन क्लोथ्स है तो वो सारे बच्चों के भी बड़ों के भी जो है वो सब अंदर रख दिए थे मैंने पहले ही, लेकिन अब मुझे वो सब निकालने पड़ रहे हैं बच्चों के कपड़े। तो आज मतलब पहले मॉर्निंग में मैंने पहले बच्चों के सारे कपड़े निकाले हैं, सब कुछ किया है, और जो है अपने भी जो मुझे लग रहा था कि हाँ ये वहाँ हम ले जा सकते हैं तो अपने भी निकाले। और ये सब करने के बाद मैं इतनी थक चुकी हूँ कि अब मेरा मन कुछ काम करने का नहीं कर रहा, और मेरे को पैकिंग करनी है और दिखाते हैं हमको भी घर का। और ये देखिए क्या हाल हो रखा है पूरे रूम का जो है। और सुबह सुबह जो है मेरे साथ सीन भी हो गया, जो मेरा ये बैग था, जो बैग मुझे लेके जाना है वो वाला बैग जो है वो मैं जब निकाल रही थी बेड से तो वो पता नहीं किसी उस किसी चीज़ से लगा और वो फट गया बैग। मतलब कहते नहीं कि कभी कभी ना इतना कुछ मतलब हो जाता है ना कि ऐसा होता है कि यार हे भगवान ये हो क्या रहा है हमारे साथ। लेकिन ये है कि मैंने वो बैग ठीक कर दिया है और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने वो बैग कैसे ठीक किया है। और अगर कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए कि आप कहीं जाने वाले हो और वो बैग जो है क्या आपके मतलब बैग या तो फट गया हो या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। चलो देखते हैं मैंने ये बैग कैसे ठीक किया है। पूरी वीडियो तो दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्या हुआ था कि जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उस टाइम पर जो है लाइट चली गई थी और मेरा फ़ोन जो है वो ना चार्ज नहीं हो रखा था, स्विच ऑफ हो गया था बीच में से ही, तो इसलिए जो है वो आधी ही वीडियो बन पाई है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने जो है बैग को दोबारा सही कर लिया था। सो ये रहा, ये देखने में वैसे ना फोटो मतलब उसमें वीडियो में ना बड़ा मतलब छोटा सा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, ये थोड़ा ज़्यादा ही फट गया था जो है, तो बहुत अजीब सा लग रहा था, मतलब लग रहा था कि हाँ ये फट गया है करके। अब जो है मैंने देखो यहाँ पर इसमें क्या क्या था। पहले ना मैंने एक ये बॉक्स टाइप का बना दिया था पेन से, और आपको वैसे ना कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपको सिर्फ सुई धागे जो सबके घर में होता है सुई धागा, उसी की ज़रूरत पड़ती है। और आप जो है उससे इजीली अपना बैग जो है इस तरीके से बैग क्या कोई भी चीज़ हो तो आप उसको दोबारा ठीक कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं आगे की वीडियो में मैंने कैसे इस बैग को ठीक किया था। सो जो है इसमें जो है एम्ब्रॉयडरी करने के लिए मैंने सेम कलर का ही थ्रेड लिया था और उससे मैंने बनाया था। अब ये जो बॉक्स मैंने बाउंड्री कर रखी थी ना, मैंने पहले सबसे पहले उसी पर ही जो है ये थ्रेड यूज़ किया था, इसको थ्रेड से जो है इसमें एम्ब्रॉयडरी करी है। देन पहले मतलब मैंने बॉर्डर बनाया, देन उसके बाद मैंने जो है इस पर क्रॉस वाला डिज़ाइन दिया था। मतलब मैं फिर ये क्रॉस टाइप के बनाती गई तो वो एक डिज़ाइन जैसा लगने लग गया था। सो आप भी जो है अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। और देखो भाई मैं मेरे को ना ये इन चीज़ों में इतना स्टिचिंग वगैरह में मेरा परफेक्शन नहीं है, और आपको अगर इस तरीके से कुछ सीखना है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बन रखी हैं इस तरीके की, तो आप भी वहाँ से देख सकते हैं। मैंने भी जो है वहीं से ही आइडिया लिया था, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैंने भी वहीं से सीखा है। और जो है क्या कहते हैं, आप भी वहाँ से अपना अपना आइडिया लेके जो है इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो है हम लोग बाहर जो है हम मार्केट से करवाते हैं और वहाँ पर हम मतलब इतना पैसे हम देते हैं, इससे अच्छा अगर हम कोई चीज़ खुद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। और कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम कहीं बार बार जा पाएँ और मतलब कहीं जाना होता है जल्दी भी, तो ये मतलब मुश्किल से 15 to 20 मिनट में मेरा ये काम हो गया था जो है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा बैग बिल्कुल ठीक हो गया है, और इस व्लॉग को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।